पाठ 9, सबसे बड़ा ईश्वर भक्त। ईश्वर की उपासना करना हमारा कर्तव्य है और आवश्यक भी है, परंतु इससे अधिक आवश्यक यह है कि उपासना पवित्र मन से हो और पूर्ण भक्ति से हो। केवल दिखावे के लिए उपासना करना अच्छा नहीं है। बहुत से लोग तीर्थ यात्रा तथा त्योहारों पर पैसा खर्च करके यह दिखाते हैं कि वे ईश्वर के भक्त हैं, परंतु वास्तव में कुछ लोगों के हृदय में भक्ति का नाम भी नहीं होता। ऐसा मनुष्य सच्चा ईश्वर भक्त नहीं होता है। जिसका मन पवित्र होता है तथा उदार व दयालु स्वभाव का होता है, वही सबसे बड़ा ईश्वर भक्त होता है। नीचे ईश्वर भक्ति का एक प्रेरक प्रसंग दिया जा रहा है। किसी राजा के 4 लड़के थे। राजा ने अपने लड़कों की परीक्षा लेनी चाही। उसने अपने 4 लड़कों को बुलाया। वह बोला, जो सबसे बड़ा धर्मात्मा ढूंढ कर लाएगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी और युवराज घोषित कर दूंगा। 4 लड़कों को युवराज बनने की उम्मीद थी, अतः वे प्रसन्न चित्त होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में सबसे बड़े धर्मात्मा को ढूंढने के लिए चल पड़े। राजा का सबसे बड़ा लड़का धर्मात्मा की खोज में बहुत स्थानों पर भटका। अंत में उसने एक सेठ को देखा। उसके बारे में उसने लोगों से सुना। सेठ जी प्रतिवर्ष 1000 रुपये दान करते हैं। इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया है। तीर्थों में ये 1000 लोगों को भोजन कराते हैं। विभिन्न स्थानों पर इन्होंने धर्मशालाएं खुलवा रखी हैं। इनसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है। बस फिर क्या था, लड़का सेठ जी को लेकर राजा के पास आ गया। उसने सेठ जी की विशेषताओं का बढ़ा चढ़ाकर बखान किया। राजा ने कहा, ये निश्चय ही धर्मात्मा है। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। फिर सेठ जी अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद राजा का दूसरा लड़का एक दुबले पतले ब्राह्मण को लाया। उसने राजा से कहा, इस विप्र देव ने 4 धामों की पैदल यात्रा की है। नियम से मंत्र जाप करने के बाद ही ये जल ग्रहण करते हैं। ये 3 समय स्नान करके साधना आदि करते हैं। ये ही सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। उन्होंने उन्हें भोजन कराया तथा बहुत सी दान दक्षिणा दी। उन्होंने कहा, ये अच्छे धर्मात्मा हैं। ब्राह्मण अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद राजा का तीसरा लड़का आया। वह एक भारी भरकम महात्मा को लिए था। उनकी जटाएं बहुत लंबी थीं। लड़के ने बताया, ये बड़े तपस्वी हैं। सारा दिन तपस्या करते रहते हैं। कंद, मूल, फल तथा दूब खाकर गुजारा करते हैं। ये सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। राजा ने बाबा को प्रणाम किया और कहा, ये बड़े धर्मात्मा हैं। महल में उनका बड़ा आदर सत्कार किया गया। फिर वे वन में चले गए। अंत में कुछ दिनों बाद राजा का सबसे छोटा लड़का आया। उसके साथ एक देहाती किसान था। किसान डरता हुआ राजा के पास आया। उसने राजा को प्रणाम किया। छोटे लड़के ने कहा, महाराज, यह एक कुत्ते के घाव को साफ कर रहा था। पता नहीं यह धर्मात्मा है या नहीं, आप ही इनसे पूछ लें। राजा ने कहा, तुम धर्म का क्या काम करते हो? किसान ने कहा, महाराज, मैं तो एक गरीब किसान हूँ, मैं धर्म को क्या जानूं? कोई मांगता है तो उसे मुट्ठी भर अनाज दे देता हूँ, कोई बीमार होता है तो उसकी सेवा कर देता हूँ। राजा ने कहा, देवताओं की पूजा करना धर्म है, झूठ न बोलना, क्रोध न करना, तीर्थ यात्रा करना, पूजा करना धर्म है, किंतु सबसे बड़ा धर्म है बिना किसी बदले की भावना से प्राणियों की सेवा करना, भूखे को अन्न देना, कष्ट में पड़े आदमी की सहायता करना। अतः किसान ही सबसे बड़ा धर्मात्मा है। शिक्षा, बिना फल की चिंता किए कार्य करना,
दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना, झूठ न बोलना, लालच न करना, क्रोध न करना आदि धर्म हैं। हमें इनका आचरण करना चाहिए।